कल ही प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग प्रारंभिक कक्षा 100 अंक हिंदी की एक नई रचना जिसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई बात कही गई थी, उसी के आलोक में इस कहानी की रचना की गई है। और इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था, साहित्य की विधा की बात कर लें तो कहानी है। एक प्रश्न यह होगा कि उसने कहा था क्या है, आपका उत्तर होगा कहानी। और उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उसने कहा था साहित्य की कौन सी विधा है, कहानी है। और उसने कहा था कहानी को लिखा किसने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा। कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ था, लेकिन इनका मूल निवास स्थान, पैतृक निवास स्थान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के गुलेर गांव में। लेकिन इनका जो निवास स्थान था, रहने का जो जगह था, जयपुर था। इनके पिताजी का नाम पंडित शिवराम था। अगर पिता की बात करें, इनके पिता कौन थे, तो पंडित शिवराम। पिता की मृत्यु के बाद ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ दिए थे और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर राजस्थान के जयपुर में आ गए थे और खेतरी के राज दरबार में, क्योंकि इनके पिता निवास करते थे तो यहाँ आके रह गए। शिक्षा पूरी करने के बाद खेतरी के जो राजा थे, छोटे थे, उनका विवाह के रूप में उन्होंने काम किया। जहाँ वो पढ़ने गए थे उनके साथ, पहले राजा महाराजा के बेटा जब कहीं पढ़ने जाता था उनके साथ उनके गार्जियन जाता था। पढ़ा लिखा अभिभावक आदर नहीं लाते थे पढ़ा लिखा, ताकि टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाया वह बात उन्हें समझ में आई या नहीं आई तो उनको घर पे क्या करते थे, ट्यूशन की तरह पढ़ाते थे, पढ़ने में सहयोग कर वहां गए थे। वहां जाने के बाद खेत्री कॉलेज, खेत्री में जो मेयो कॉलेज था, ब्रिटिश काल में बनी थी, उस कॉलेज में इन्होंने शिक्षक के रूप में प्राचार्य भी काम किया था। उसके बाद महामना मदन मोहन मालवीय ने उत्तर प्रदेश के काशी में, काशी को वाराणसी भी कहते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। वहां प्राच्य विभाग किया, अध्यक्ष भी रह चुके थे। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम था काशी नगरी प्रचारिणी सभा। इन्होंने अपने जीवन में मात्र 3 ही कहानियां लिखी थी। कहानी का नाम है सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा ये भी 1911 में, और उसने कहा था ये 1915 की घटना, और ये दोनों लिखाया 1911 में। कब लिखाया, 1911 में। इसके अलावा कई निबंध लिखा जिसमें दो का नाम मैं दिया, कछुआ धर्म और मारेशी मोहिनी, उठाव या कुठराव, भारतवर्ष, बंगाल, और भी कई रचना। ये द्विवेदी युग के कहानीकार है, इनका काल आधुनिक काल माना जाता है। तो आज जिस रचना को हम सब पढ़ने वाले हैं, उस रचना का नाम है उसने कहा था। और उसने कहा था क्या है, कहानी है, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो उसने कहा था कहानी है, इस कहानी के बारे में कई बातें हैं, जैसे अमर प्रेम का प्रतीक, अमर प्रेम का प्रतीक है ये कहानी। दूसरी बात करें इस कहानी के बारे में, कुछ विद्वान कहते हैं कि कहानी कैसी रचना है, तो त्याग वह
समर्पण की ये कथा है। इस कहानी में हम लोग शुरुआत करेंगे अमृतसर, जो पंजाब का एक जिला है। अमृतसर से कहानी शुरू होती है। इसमें एक लड़का 12 वर्ष का होता है, नाम होता है लहना सिंह उसका नाम होता है। ये अपने मामा के यहाँ गए होते हैं, और एक लड़की होती है 8 वर्ष की, जिसका नाम होता है होरा। नहीं पता होगा, होरा नाम होता लड़की, आपके किताब का नाम नहीं दिया। लड़की का नाम क्या होगा? होरा। क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की इन सभी कहानियों का एक संग्रह, वहां इसका नाम मिलेगा आपको। होरा लड़की का नाम होता है। उसकी उम्र क्या होता है? 8 वर्ष होता है। ये दोनों अपने मामा के यहाँ गए होते हैं। लड़का भी अपने मामा के यहाँ गए होते हैं, लड़की भी अपने मामा के यहाँ ही घूमने गई रहती है। लहना सिंह का जो गांव की बात करते हैं, तो इनका माझे नामक गांव में इनका घर होता है। लहना सिंह का घर कहाँ होता है? माझे में। और ये जो होरा थी, इसका मगरे नामक गांव में घर होती है। लेकिन यह भी अपने मामा के यहाँ रहते हैं। लड़का भी, लड़की भी अपने मामा के यहाँ रहती है। लड़की के मामा जो थी, वो अंतर सिंह की बैठक में रहा करती थी, वही इलाका था। तो आइए शुरू करते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, उनकी कालजयी रचना है। अमर प्रेम का प्रतीक है, प्रेम के प्रति जो समर्पण और त्याग की बात होती है, उसका प्रतीक है। उनकी कालजयी रचना है। इन तीनों कहानी में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई कहानी है, तो उसने कहा था। और एक फिल्मकार है, नाम है विमल राय। एक फिल्मकार थे, जिन्होंने उसने कहा था शीर्षक कहानी पर फिल्म बनाई। विमल राय ने फिल्म बनाया। ये कहानी उस समय लिखी गई जब हमारा भारत गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। और 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी, जो 1918 ईस्वी तक चला। क्योंकि भारत गुलाम था इंग्लैंड का, और महात्मा गांधी के कहने पर भारत के सारे नौजवान सेना में या फौज में भर्ती होकर अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में हिस्सा लिया। तो गांधी के कहने पर बहुत सारे नौजवान युद्ध में शामिल हो गए थे। उसी समय कहानी किसका? लहना सिंह का। लहना सिंह भी युद्ध में शामिल हो जाता है अपनी योग्यता के बल पर। ये 77वीं राइफल के जमादार हो जाते। मतलब जमादार के पद पर ये काम करते हैं। भारत के बहुत सारे नौजवान सेना में भर्ती हो जाते हैं, और अंग्रेजों के तरफ से लड़ाई में हिस्सा लेते हैं। किसके विरुद्ध? जर्मनी के विरुद्ध। इसमें जो मैं चर्चा करूंगा कि भारत के फौज अंग्रेजों की ओर से उनके सपोर्ट में लड़ रहा था, लेकिन किसके विरुद्ध लड़ रहा था? जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहा था। कहानीकार कहते हैं कि पंजाब भारत का एक राज्य है, लेकिन पंजाब का जो अमृतसर जिला है, जहाँ स्वर्ण मंदिर है और सिखों का पवित्र भूमि है, अगर जो बच्चे आज के हैं वो ये जानते हैं कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव या निर्माण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने कराया था। लेकिन अमृतसर शहर का नाम तालाब के नाम पर रखा गया है। तालाब का नाम ही अमृतसर है, जो खुदवाने का काम किया था सिखों के चौथे गुरु रामदास। अकबर ने 500 एकड़ जमीन को गिफ्ट में दिया था, उसी 500 एकड़ जमीन में तालाब खुदवाया था। तालाब का नाम रखा अमृतसर, उसी अमृतसर के नाम पर अमृतसर शहर की स्थापना हुई। उसी अमृतसर तालाब के बीचों बीच में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। ये दोनों सिख थे, मामा के यहाँ गए होते। ऐसे ही भीड़ भाड़ वाला इलाका था, वहां आज भी खूब टांगा चलता मतलब। और ये टांगा वाले जब टांगा चलाते हैं, तो लोग को साइड करने के लिए
अलग अलग बात बोलते हैं। अगर आपका दावी नहीं है उनके बात को सुनोगे ना, समझ नहीं आएगा ना, तो गाड़ी के नीचे आ जाओ। लड़का को बोलेगा हट जा बाछा, लड़की को हट जा बाछी। अरे बाछा मैं लड़का, बाछी बताओ, हट जा करने वाली है, हट जा जीने जोगी है, तुम जीने योग्य है, हट जाओ। हट जा कुत्ते प्यारी, बूढ़ी महिला को देखेगी तो क्या बोलेगा, हट जा कुत्तो प्यारी है। अरे हे अपने कुत्तों की प्यारी माता, तू रास्ता में से क्या बताओ, साइड हो जाओ। इसी क्रम में 12 वर्षीय लड़का जिसका नाम लहना सिंह होता है, जो उसने कहा था, कहानी का नायक है, हीरो है, अपने मामा के यहाँ गए होते हैं, साधु के मामा जी बाल टाई कर रहे होते हैं, तो लहना सिंह अपने मामा के लिए दुकान पर दही के लिए जा रहा है। इस क्या खरीदने जा रहा था, और जो तो लड़की थी जिसका नाम था होरा, ये क्या खरीदने जा रही थी, बड़ी, हम लोग गांव में थौड़ी चाहे अदौड़ी करते हैं, बड़ी खरीदने जा रही। शायद टोन पता नहीं होता है कि टांगा वाला क्या कहना चाह रहा है, बड़ी तेजी से टांगा वाला आता है, साइड होने के लिए कहता है, लड़की समझ होरा समझ नहीं पाती है, टांगा के नीचे आने वाली होती है। ये लहना सी क्या करता है, उसको खुद तो नाला बिगड़ जाता है, ऐसे हाथ पर आता है, हाथ पर पकड़ लेता है, रोक लेता है, अपने नाला बिगड़ जाता है, लड़की को नाला में गिरने से बचा लेता है। दुकान दोनों संजोग है कि दोनों एक ही दुकान पे जाता है, दुकान में भीड़ थी, दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, देखा इसकी बारी आई, दुकानदार ने लहना सिंह को दही दे दिया, थोड़ा को क्या दे दिया, अरे दोनों दुकान से ना कुछ तो आगे गया, तो फिर लहना सिंह देखा, एक प्रश्न किया, तेरी कुरमाई हो गई। देखो पंजाबी भाषा में कुरमाई का मतलब होता है कुरमाई, मतलब सगाई, विवाह के पहले का रस्म होता है, हम लोग उसको सगाई मगनी भी, देहाती भाषा में छेका छेक, शादी हुआ नहीं होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही, हो गई है। लड़की तो नचेती है और थक करके शर्माती है, तो आंख मुंह भी चराती है और थक करके क्या होती है, चली जाती। अब ये सिलसिला हो जाता है शुरू, कभी दही वाले के दुकान पर, तो कभी सब्जी वाले के दुकान पर, तो कभी दूध वाले के दुकान पर, दोनों मिलता है। हालांकि दोनों किराना दुकान में ही एक दूसरे का पता पूछ लेता है, लड़का पूछता है ना तेरा घर कहाँ है, लड़की कहती है मगरे, लड़की भी कहती तेरा कहाँ, ये कहती कि मेरा तो माझे में, तेरा कहाँ रहती, अंदर सीख के बैठक में, वो हमारे मामा परिचय बात हो गया रहता दोनों का। ऐसे ही जब भी मिलता, कभी दूध वाले के दुकान पे, कभी दही वाले के दुकान पे, कभी सब्जी वाले के दुकान पे, जब भी मिलता लहना सिंह उस होरा से, मतलब लड़की से एक ही प्रश्न करता कि तेरी कुरमाई हो गई, ये शब्द कह के बार बार उसे परेशान करता, मतलब छेड़ता, वो हर बार फत कहती शर्माती और थक जाती। एक दिन की कहानी है कि पुनः दोनों की दुकान पर आपने सामने बोल जाता है, लड़की समझ रही थी कि पुनः हम ले चेहरे कुछ ना कुछ बोलेगा, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है नेचर सिग्नेचर एंड बिहेवियर नेवर बी चेंज, इंसान का नेचर सिग्नेचर और व्यवहार कभी नहीं बदलता, अगर बदलता तो कुत्ता के लकड़ी को कपड़ा सीधा कर दिया, नहीं सीधा बदलता नहीं होता है, तो भाई प्रकृति है उसका टेरा रहेगा। फिर मिलता है लड़का ने उसे क्या किया, प्रश्न किया कि तेरी कुर्बानी हो गई है, लड़की टारगेट लेके चली इस बार आमने सामने प्यार पार की लड़ाई बोल जाए, कहा क्या वहां हो गई, हृदय पर पत्थर रखी खड़ी की हो गई है, गुस्से में बोली, कम से कम जोरदार करना तो छोड़ेगा बार बार,
बोला कब? पूछ लिया कब हुआ? कल तो हुआ, देखते नहीं रेशम का सारे हाथ में मेहंदी लगाई थी। जैसे उसने कहा कल, कहानीकार लिखते हैं कि मानो लड़का के शरीर पर वज्रपात हो गया हो, क्योंकि हम नहीं पर प्रेम कर बैठा। वज्रपात तो देखा, खड़कान गिर गया, वज्रपात उसके शरीर पर हो गया। बड़ी तेज गति से समान भी नहीं करता, जाने लगा, सब्जी वाला उसमें ठेला को ढकल दिया, एक रोड के किनारे आ रहा था, ये कर दिया। वैष्णव की महिला थी, स्नान करके आ रही थी, देखा नहीं था उसको धक्का मार दिया। बोले रे अनारा तुमको दिखता नहीं है, अंधे की उपाधि पाते ही आगे बढ़ा। कहानी का पहला दृश्य यही परिंद होता है। दूसरे दृश्य में प्रवेश करते हैं, तो ये जो लड़की थी होरा, इसका विवाह होता है, वो अभी सेना में ही काम करता है, नाम होता है क्या उसका? खजाना सिंह। क्या नाम होता है? होरा के वो बेटा होता है, नाम होता है बोधा सिंह। क्या होता है? हालांकि होरा को पांच को बेटा हुआ रहता है, उन्हें चार को क्या रहता है? मर गया रहता है, और एक मात्र जिंदा रहता है, नाम क्या होता है? बोधा सिंह। पति का नाम हजारा सिंह। इस कहानी में कई पात्र हैं, क्योंकि लाइन बाय लाइन अगर आपको मैं करना शुरू कर दूं तो आप लोग क्रमिक रूप से छोटे तो रीडिंग दिया जाता है छोटे बच्चों के लिए, ताकि उसको शब्द की पहचान कराना है। हजारा सिंह से लड़की की शादी हो गई, लड़की है बोधा सिंह, पांच बेटा में से बोधा सिंह जिंदा होता है। हजारा सिंह भी सेना में एक छोटे से पद पर होते हैं, इस पद पर सूबेदार के पद, और बेटा बोधा सिंह थोड़ा सा सिपाही होता है। प्रथम विश्वयुद्ध चल रहा होता है और हिमाचल प्रदेश के मोर्चा पर ही जर्मनी के विरुद्ध इन सबकी सेना सेना के जो बटालियन काम कर रहा होता है, क्योंकि लहना सिंह सेना में 77वीं राइफल के जमादार थे, इन्होंने सेना में अच्छा प्रदर्शन किया था, सरकार की ओर से इनको उपहार में जमीन मिला। थोड़ा जमीन विवादित था, उस पर मुकादमा चल रहा था, तो अपने मुकादमा की पैरवी कराने के लिए लहना सिंह कहां पहुंचा था? अपने गांव आया, 7 दिन का छुट्टी लेकर अपने गांव आया था। कौन? लहना सिंह। गांव पहुंचता है, जमीन का मुकादमा भी समाप्त नहीं होता है, इसी क्रम में हेड क्वार्टर से इनको लेटर मिलता है, सूचना मिलती है कि सेना लाम पर जाने वाली। लाम पर जाना मतलब युद्ध पर जाना, सेना कहां जाने वाली है? लाम पर जाने वाली है। सारे सिपाहियों का छुट्टी कैंसिल किया जाता है, मतलब खत्म किया जाता है। हेडक्वार्टर का पत्र मिला, अलग अलग के पास एक और मैसेज आ गया, सूचना मिली हजारा सिंह का, सर हमको लेटर आया है कि छुट्टी कैंसिल हो गई है, आप तो चलेंगे क्योंकि आप ही के टीम में हम भी हैं, तो हमको भी लेते चलना। लाना सिंह हजारा सिंह को बोलता है तुम तैयार रहना, क्योंकि तुम्हारे घर के बगल से ही सड़क है, मेरा रास्ता वही है, तो हमारी गाड़ी आई उस पर तुम भी चलना, स्टेशन तक साथ चलेंगे। जिस दिन जाना था, लहना सिंह तैयार होकर रास्ते से गुजरा, हजारा सिंह के दरवाजे के सामने गाड़ी रुकती है, जोर से आवाज देता है कि हजारा भाई चलो देर हो जाएगी। आर्मी था उसकी जो पत्नी अंदर थी, कौन? होरा। उसने क्या की? देख ली लहना सिंह, अपने हस्बैंड हजारा सिंह को बोलता है कि हम तुम्हारे कमदार को चिंते, क्या करो उससे हमें मिलना है। अंदर भी हजारा सिंह आता है और अपने सूबेदार
तब अपने जो ऑफिसर थे लाहड़ा से उनको बोलता है कमलदार साहब को कि हम सूबेदार नहीं आपसे मिलना चाहती है, क्यों मिलना चाहती है? वो कहती मैं आपको बताऊंगा, मैं अनमैरिड इंसान, शादी किया नहीं, कोई दोस्त या अपना निकट का नहीं है, मैं किसी के डेरा पर नहीं गया, हम जानती कैसे, रिक्वेस्ट किया कि सर राकेश थोड़ा सा मिल लीजिए क्या, हम तो नहीं जाते, आधार सिंह मतलब नहीं जाता है, बेटा उसका बोधा सिंह गाली पे बैठा रहता है, लाना सिंह हिम्मत बांध क्या होता है, घर के अंदर जाता है, वो घूंघट की रहती दिखाती चेहरा को नहीं, और घूंघट से ही बोलते कि मैं आपको पहचानती हूं, क्या आप मुझे पहचानते हैं, कहता कि नहीं मैं तुम्हें पहचानता हूं, प्रश्न करती है लड़की, प्रश्न ये नहीं कि तेरी कुर्माई हो गई, लड़की यहां प्रश्न किया कर तेरी कुर्माई हो गई, पूछ गया हुए कौन भोला, बोलता है नहीं, क्योंकि ये प्रेम उससे किया था, शादी नहीं हुई तो किया ही नहीं, शादी नहीं हुई तो उसने लड़की ने पुनः दूसरी बात कही, बचपन की बात याद है, एक कांगा से हमारे प्राण को तूने क्या किया था, बताया था हमको तो पांच को बेटा होगा, नहीं एक जिंदा है बोधा सिंह, पति तो है हजारा सिंह, हमारे जीवन में इस दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं, और ये जो लड़की थी नायिका, मतलब जिसका नाम हमने बोरा बताया, अपने साड़ी का पल्लू किसके सामने लाहड़ा सिंह सामने फैला देती है और कहती है कि हम तुमसे भीख मांगते हैं, कि जिस तरह बचपन में तुमने हमारे प्राण को क्या किया बताया, भले तुमको कुछ हो जाए मतलब मेरा नहीं, लेकिन तुम हमारे पति और पुत्र के प्राण को बचाओ, तुम्हारे ठीक है, मैं तुम्हारे ये करते छोड़ रही, और इतना कहकर बोरा मतलब लड़की रोती हुई भाग जाती है, लहना सिंह के आंख में क्या होता है आंसू आता है, आंसू पूछते हुए बाहर निकलता है, गाड़ी स्टार्ट करता है, निकल जाता है, दाई की सेना थी, इसके टीम में मात्र आठ इंसान था, कितना था, और ठंडा भी बहुत ज्यादा था, जर्मनी सब वाले 70 थे, इनके पास कितना था मात्र आठ, एक खंडक में गुफा में लुकाया हुआ, जर्मन वाले बड़ा बड़ा तोप गोला का प्रहार करते थे, ऊपर से एक तो ठंडी बर्फबारी हो रही थी, दूसरा जो सुरंग था उसमें फेवला भर गया था, पानी था, दो आदमी पानी को बार बार फेंक रहे थे, उसी में मन लगा लेकिन गीत संगीत चुटकुला कहानी सब करते रहता है, तुम्हें कैसे लगेगा, हुआ कि सात दिन का समय फिर पाठक से मिला था कि उस मोर्चा को तुम सात दिन क्या कर लो संभाल लो, उस पर तुम लोग को सात दिन का क्या मिल जाएगा छुट्टी, दुखा में ये लोग रहता है ये आठों आदमी, जर्मनी वालों के भय से बाहर निकलता नहीं है, बारी बारी से एक गुफा के मुंह पर रखवाली करता है कोई घुस न जाए गुफा में, हालांकि गुफा में एक आदमी घुस जाता है, जर्मनी का एक इंसान घुस जाता है इसी के पोशाक पहनकर, लेकिन पकड़ा जाता है कि ये लोग सिगरेट नहीं पीता था और सिगरेट निकाल के कायम रहता है पी लेता है, लहरा सिंह बात को समझ जाता है, उसको गुफा में बुला के लिया तो गोली मार देता, लेकिन अपने सातों आदमी को कहना है कि भाई गोली का है चला गुफा में, अरे कुत्ता घुस गया था इसलिए मैं रोक सकता हूं, बाद में कहा कि नहीं विदेशी था हम सबको मार दे, अगर नहीं मैं मारता हम सबको मार देता, इसी में गोधा सिंह बीमार पड़ जाता है, बड़ी जोर से बुखार लग जाती है, नीचे पानी था तो बिस्कुट का तीन वाला पीवा था, उस पर क्या रहता है सोया रहता है, लहना सिंह अपना कंबल दे देता है, अपना यहां तक कि कोट भी दे देता है, और अपने एक टी शर्ट पहनकर रखवाली करता है, थरथरा रहा है, आग जला दिए हुआ है, हजारा से कहता है कि भाई तुम तो अपने ठंडा से मर रहा है,
और इसको क्यों दे दिया? क्योंकि निमोनिया से मरने वाले को बुढ़ापा नहीं। सेना में तो भर्ती हुए हो, अपना सारा ठंडा गर्म कपड़ा दे दिए किसको? बोधा सिंह को। आप बाहर एक टी शर्ट पहन के रखवाली कर रहे हो, कहा कि हमारी बॉडी में तो गर्मी लग रही है। और तो उसके मां को वचन दिया था, नहीं होरा को जब तुम्हारे बाल बचा को और पति को बचाएंगे, नहीं हमको तो नहीं लग रही है। तो ही कहता है कि हजारा सिंह कहता है किसको? लाना को, कि निमोनिया से मरने वाले को, मतलब ठंड में मर जाओगे ना, सरकार कुछ ही काम नहीं देगी, लेकिन सीमा पर लड़ते लड़ते मरोगे तो शहीद का उपाधि मिलेगा, साथ ही बहुत सारा जमीन भी उपहार में मिलेगा। वजीरा सिंह का सॉरी, इसी क्रम में कुछ जर्मन वाले बम धमाका लेते हुए पटक जाते, घुस जाते हैं, गोलीबारी दोनों तरफ से क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। लाना सिंह को पहले जान में गोली लगती है, पुनः एक फसली में यहां गोली लगती है, देखा कि सब देख लेगा, हम तो जमादार के पद पर है, हमको लड़ने देगा नहीं, मिट्टी को इसने लगा लेता खून बाहर ना निकले। आधारा बोधा को भी थोड़ा थोड़ा गोली लगती है, लेकिन सीना गोली को बाह को पार करता है, घायल हो जाता है। तब तक सुबह होती है और अस्पताल से मेडिकल वाला जो गाड़ी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्बुलेंस आ जाता है लेने। तो हजारा सिंह और बोधा सिंह को गाड़ी पर बैठाने की कोशिश करता है, इसके हाथ को भी खींचता है, कहते आप कहते हैं कहाँ कहते लड़ेंगे अब, तुम अस्पताल में जाओ। इससे पहले कहता है कि तुम के गिलास क्या करो, पानी पिला दो। लेकिन जाते समय बोधा सिंह को एक बात लहना सिंह बोलता है, तुम अपने घर जाना, तो अपनी माँ से कह देना कि उसने जो कहा था उन्होंने कर दिया। क्या कर दिया? कि हजारा और लहना सिंह के प्राण को क्या करना है, अब तो बता दिए ना, ताकि उसे और अपने घायल होकर युद्ध के मैदान में बढ़ता। अगले अखबार में छपी थी कि भारतीय सेना में 77वीं राइफल के जमादार ने मुख मोर्चा पर संभालते हुए अपने शत्रुओं को पीछे धकेला, लेकिन इसमें 77वीं राइफल के जमादार लहना सिंह का होते हैं शहीद। ये तो कहानी है, अमर प्रेम का प्रतीक है, प्रेम का सही परिभाषा इस कहानी के माध्यम से गंगाधर कर्मामूल जी ने आपको समझाने की कोशिश किया है। मतलब प्रेम एक प्रकार का समर्पण, एक प्रकार का त्याग होता है। प्रेम में वासना और ईर्ष्या और लालच का कोई स्थान नहीं। ये बात आपको समझ में आई, कहानी का निचोड़ ये, इसके अलावा कुछ भी नहीं।